हजारों सालों से डर डर के जीना, चुप्पी को अपना गहना बना लेना, आंखें नीची करके चलना, सारे झूठ खामोशी से सहना, कब तक हमको ऐसे ही रहना। हम इस दुनिया के आधे बाशिंदे, पूरी दुनिया का हक कब पाएंगे? जो हमें डराने वाले हैं हमारे अस्तित्व को अपनाएंगे। हम इस दुनिया के आधे बाशिंदे, पूरी दुनिया हंसने से डरना, कुछ कहने से डरना, कब तक है हमको ऐसे ही रहना। मिलों में, खेतों में, खलियानों में, घरों में, दफ्तरों में, दुकानों में, हम अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी खुददारी से जितना भी कमाते हैं, हम इन मर्दों से कम ही थकते हैं। समाज में औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है। तुम्हें आता, तुम्हें अंधू, तुम्हें सका, सका तुम्हें बे। बधाइयों बधाइयों, आपकी लड़की हुई है। क्या? नहीं। सोचा था बेटा होगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, हो गई बेटी। अब तो दिन रात मेहनत करके उसके तेज के लिए पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। अगली बार बेटा होगा तभी अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। मेरी बेटी मुझसे होगी, कामकाजी, संस्कारी, किसी से मुंह नहीं लगाएगी, चुपचाप सहेगी ताने सबके, तभी तो घर की इज्जत कहलाएगी। इज्जत कहलाएगी, इज्जत कहलाएगी। हाँ, मैंने तो आना ही था। अब औरतों की सुरक्षा सुरक्षा का सवाल है मेरी, यानी कानून की। अब सभी औरतों से मेरी ये विनती है कि कानून को खेल न समझे, और मर्दों से मेरा कहना है अपनी छोरी और बिंदियों लेकर घर के भीतर हो ले। और अब पुलिस किस किस को रेप करने से रोकेगी? अरे इस शहर में तो करोड़ों की आबादी से ठीक से। अब बात ही तो मैं कहूँ, पुलिस तो आपके साथ ही से क्या आंटी जी, ठीक से साथ। हमें समाज में घरों में अपना अधिकार चाहिए, ना ही सहानुभूति। ऐसे भेदभाव को जेंडर भेदभाव कहते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक तथा जो मनुष्य द्वारा रचित है। जेंडर भेदभाव हमारे जीवन में छोटे से छोटी चीजों से जुड़ी होती है। अगर मैं लड़का हूँ तो रो नहीं सकता, गुलाबी रंग के वस्तु इस्तेमाल नहीं कर सकता। जेंडर का नाम है पहचान, और हमने ये इसलिए रखा है क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं समाज को कि हमारी पहचान दिखाने जाते हैं, इसलिए हमने ये नाटक आप लोगों को दिखाया है। जिनकी मम्मियाँ चाचियाँ ये नाटक देख रही हैं, लड़कियाँ हैं इसके अंदर, तो कैसा लगा आप लोगों को अपनी बेटियों को पार्टिसिपेट? तो थोड़ी सी बात थोड़ा क्या होता है, हमारी लड़कियाँ तो जरा जींस वींस पहन लेंगी, ये वो टॉप टू पहन के चली जाएंगे, सबसे ज्यादा पड़ोसियों का जलन।